हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अर्थ मेडिसिन में। दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट रेहान एंड मेडिसिन कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैम्बिया में जो 66 बच्चों की मौत हुई है वो कौन से कफ सिरप लेने की वजह से हुई है। वो कौन से ऐसे कफ सिरप थे जिनकी वजह से गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई, और उन सिरप्स के अंदर कौन सा ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस था जिसको लेने की वजह से बच्चों की डेथ हो गई, और कौन सी कंपनी द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया था। सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे सारी जानकारी। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, गैम्बिया में जो चल रही न्यूज़ के बारे में सुनने को मिला है कि कुछ कफ सिरप को पीने की वजह से बच्चों की डेथ हो गई, वो कौन से कफ सिरप हैं। उनका नाम है प्रोमेथाजिन, ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्सामेलिन कफ सिरप, मैकोफ बेबी सिरप, मैग्रिपिन कोल्ड सिरप। दोस्तों, इन सिरप को लेने की वजह से गैम्बिया में बच्चों की डेथ हो गई। दोस्तों, जब इसकी टेस्टिंग की गई, जब इसकी लैब टेस्टिंग की गई, तो इसके अंदर जो सब्सटेंस पाया गया, जो टॉक्सिक सब्सटेंस पाया गया, उसका नाम था डाई इथाइलिन ग्लाइकोल सब्सटेंस इसके अंदर पाया गया, जो कि ओवरडोज में इसके अंदर पाया गया, जिसकी वजह से बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, किसी भी क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पे अगर ये सिरप्स हैं तो वो किसी को ना दें, क्योंकि इसको WHO ने पूरी तरह बैन कर दिया है, टोटली इसको बैन कर दिया है, इन सिरप्स को ना लें। दोस्तों, इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट की बात करें तो ये इफ़ेक्ट देता है एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, इनएबिलिटी पास यूरिन, यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, एक्यूट किडनी इंजरी, और ये किडनी इंजरी कर सकता है। दोस्तों, WHO ने इन्हें पूरी तरह बैन कर दिया है, टोटली बैन कर रखा है। दोस्तों, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको मैन्युफैक्चर किया है मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, जो कि इंडियन के हरियाणा में प्रेजेंट है। ये कंपनी इंडिया के हरियाणा में प्रेजेंट है। दोस्तों, वो चार सिरप ये हैं जो हमने डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। दोस्तों, इन सिरप को ध्यान से देख लें और इनका फ़ोटो देख लें, कहीं भी आपको ये सिरप दिखें तो इसको ना लें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।